आशा सुपरवाइजर रुकमणी प्रजापति के द्वारा अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर एवं सीएमएचओ से लगाई मदद की गुहार। आशा सुपरवाइजर रुकमणी प्रजापति के द्वारा अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने के खिलाफ आज आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर एवं सीएमएचओ के नाम ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रुकमणी प्रजापति द्वारा एक माह से रोज उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं में आरोप लगाया है कि उनके कार्य में किसी न किसी प्रकार की कमी मिलने कारकर मानसिक भुगतान में पैसे काट लिए जाते हैं और धमकी दी जाती है कि मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी आरोप लगवा दूंगी और तुम्हारे गांव में रहना मुश्किल कर दूंगी। उक्त सभी आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से आशा सुपरवाइजर रुकमणी प्रजापति के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही संबंध में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सुपरवाइजर दूसरी भर्ती होना चाहिए, इसके अलावा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। रुकमणी प्रजापति, हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा दूसरी सुपरवाइजर भर्ती होना चाहिए। ये गांव में जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा डांटती है। हम काम भी करते हैं, काम जो नहीं बनता तो हमें परेशान करती है, जो नहीं बनता तो वो बताती नहीं है। पति के द्वारा अपना हम ये आवेदन देने आए हैं, हमें मासिक रूप से प्रताड़ित करती है। बड़ी प्रजापति हमारे सुपरवाइजर, हमको मासिक रूप से प्रताड़ित कर दिया जा रहा है। काम में बोलती है, बहुत तेज बोलती है वो। कैसा वो कर रही है, बहुत बोलती है, समाज में भी बोल देती है। वो ये नहीं देखती है कि कौन आदमी खड़े हैं, कैसा क्या कर रहे हैं। उसको बोलना है तो बोलना है तेजी से। हम उसे काम भी करते हैं रात दिन, जब भी कहती जब भी उसकी मीटिंग में पहुंचते हैं। अगर हम थोड़ा से लेट हो गए तो लेट में भी अपना पीछे आती है, मगर हम सबसे आगे पहुँच जाते हैं, फिर भी हमें मतलब मानसिक रूप से प्रेरित किया जाता है। प्रजापति हमारा सुपरवाइजर ही नारायणपुर के, हम कलेक्टर को कलेक्टर के वहाँ आवेदन दिया है, अब सीएमओ के यहाँ आया।